हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे वीलैंस की। वीलैन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, वीलैंस। ओके, तो देखो, वीलैन पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। वीलैन जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये प्योरली L2 कॉन्सेप्ट है। ओके, ये मेरा कोई सच है। और इस पे कुछ ए डिवाइस कनेक्टेड है, बी है, सी है, डी है, मतलब यूजर कनेक्टेड है। ओके, और इधर कुछ ना कुछ आईपी भी होगी, भाई 160.192.168.1.1, मैंने यहाँ दे दिया 1.2, 1.3, 1.4, सेम सब नेटवर्क है। ठीक है, अभी आप यहाँ से कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजोगे, भाई आपने पिंग किया किसको, 192.168, सॉरी आपने पिंग ब्रॉडकास्ट मैसेज को कर दिया सीधे। ठीक है, तो कौन कौन रिप्लाई देगा, ये देगा, ये देगा और ये देगा। ठीक है, देखो मैसेज कहाँ से जनरेट हुआ, ए डिवाइस से, और इंपैक्ट कहाँ पे आप देखने को मिला, बी पर, सी पर, पी पर, ये तीनों डिवाइसेस ने क्या किया, रिप्लाई दिया। तो ये क्या है, एक सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन है। ये क्या, एक सेम सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ये एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन जो स्विच पर होता है। स्विच पर क्या होता है भाई, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है पूरे स्विच पर। ओके, और एक दूसरा हमारा डोमेन होता है कोलिजन डोमेन। कोलिजन डोमेन स्विच में होता है पर पोर्ट, हर एक पोर्ट का अपना एक कोलिजन डोमेन है। ओके, तो आपका जो ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है, ठीक है, इज इट आप कैसे कह सकते हो, देखो नंबर ऑफ डिवाइस कनेक्टेड है। ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइस आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इट इज अ सेट ऑफ लैन कनेक्टेड डिवाइसेस इन विच अ सिंगल इन विच अ डिवाइस सेंड अ ब्रॉडकास्ट एंड ऑल डिवाइस गेट्स अ कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेम। कि भाई एक डिवाइस ने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट किया और बाकी डिवाइस ने वो रिसीव किया और इम्पैक्ट भी देखा उसका। ठीक है, इम्पैक्ट क्या था, वो रिप्लाई दे रहे थे। ओके, और सबके पास जा रहा था मैसेज। तो ये क्या, एक सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन की स्टोरी है, ये आप सभी को पता होगा। कोलिजन डोमेन क्या होता है, थोड़ा इस पे भी देख लेते हैं। ब्रॉडकास्ट तो आपको पता लग गया, अभी सबके पास मैसेज आ रहा था। ठीक है, कोलिजन डोमेन भी देख लेते हैं। ये एक स्विच है और ये एक मेरा पीसी है, ए बी सी। बी को भेजा, बी टू ए बी जा रहा मैसेज। है, स्विच पड़ जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट अगर सी पे देखने को मिले तो क्या हुआ, ये एक सेम कोलिजन डोमेन में हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये कोई डिवाइस है, ठीक है, और यहाँ से ए ने बी, बी ने ए को भेजा, इन दोनों के बीच में तो कॉलिजन हो गया। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं, अगर सी भी मैसेज भेजना चाह रहा था कहीं और, एक्स वाई जेड जो भी है, या फिर ए बी जिसको भी, तो इसका इम्पैक्ट सी पर भी देखने को मिलेगा। तो यही होता है सेम, अगर ये सेम कॉलिजन डोमेन में होते तो। बट स्विच के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्विच के केस में हर एक पोर्ट का अपना एक कॉलिजन डोमेन होता है, हर एक पोर्ट का अपना सेपरेट कोलिजन डोमेन होता है, तो उस केस में कोलिजन नहीं होगा। ठीक है, उस केस में कोलिजन नहीं होगा। हाँ, ब्रॉडकास्ट डोमेन सिंगल रहता है कि ये मेरा स्विच है, ये कुछ यूजर कनेक्टेड है, इसने भेजा, तो ये सबके पास जाने की संभावना होगी। ठीक है, एटलीस्ट अगर स्विच को डेस्टिनेशन के बारे में नहीं पता होगा
तो वो तो सबको फ्लड करेगा, सबको क्या कर देगा, फ्लड कर देगा। ठीक है, ये मेरा कोई स्विच है, ए कनेक्टेड है, बी सी डी ई, यूजर कनेक्टेड है। ठीक है, ए ने किसको भेजा, ए ने सी को भेजा। ठीक है, मैक में जाएगा, स्विच अपना मैक एड्रेस टेबल में देखेगा, तो ये नहीं पता उसको, सी को नहीं पता कि सी को मैं कैसे भेजू, कौन से वाले पोर्ट से भेजू। तो ये क्या करेगा, एक कॉपी सबको दे देगा, डी को भेजेगा, ए को भेजेगा, एंड बी को भेज देगा और सी को भी भेजेगा। ठीक है, और सी फिर इसका रिप्लाई करेगा। तो ये तो के सेम ब्रॉड, ये ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि सारे के सारे सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। ठीक है, बट आप नहीं चाहते कि जो मैं यहाँ से पैसे भेज रहा हूँ वो सभी के पास जाए। ठीक है, कई बार हमारी कंडीशंस कुछ ऐसी आती हैं कि लाइक एक कॉमन सा एग्जांपल दिया था डिपार्टमेंट का, कि भाई मेरे पास एक स्विच है और स्विच पर 3 डिपार्टमेंट है। ठीक है, स्विच पर क्या है, 3 आपके डिपार्टमेंट है। मैं एक स्विच है, ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब इस डिपार्टमेंट मैसेज भेज रहा है, तो इसके पास भी जा रहा है और इसके पास भी जाएगा। ठीक है, हर बार तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ अगर वो उसने फ्लडिंग कर दी, ये कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज रहा, तो इनके पास तो जाएगा जाएगा। ओके, तो ये से ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा आपने देखा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, अब क्या हो, इस पे 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन हो तो क्या करोगे भैया, इनको सेपरेट करने का क्या तरीका, दिया तो 3 स्विच ले लो भाई। आपने क्या किया, एक स्विच ये रहा, एक डिपार्टमेंट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तीनों स्विच अलग, ये आपस में कनेक्टेड भी नहीं होने चाहिए, स्विच 1 स्विच 2। ठीक है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो 2 3 सेपरेट है। अगर अभी ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज भी देगा तीसरे डिपार्टमेंट का, तो ये इधर ही रहेगा, मैसेज 2 या 1 पे नहीं जाएगा। बट ये कोई फिजिकल सॉल्यूशन नहीं है, तो हम बात करेंगे ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को एक स्विच पर कैसे ब्रेक किया जाएगा। भाई अगर यही ब्रेक हो जाएगा इनका, देखो यहाँ तो इनके ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग कर दिया अपने, ये तो पूरा अलग है, आइसोलेट है ना। अब आपको कुछ ऐसा आइसोलेशन स्विच पर भी निकालना है, तो ये सिंगल जो ब्रॉडकास्ट डोमेन था इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, ये स्विच हो गया आपका, इस पर पहले एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन था, इस ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करना है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन ये हो गया आपका, ये हो गया, और एक तीसरा हो गया। ठीक है, आपकी बार जो फर्स्ट डिपार्टमेंट था, अगर ये फर्स्ट डिपार्टमेंट के यूजर, इधर मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, अब ये ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेंगे तो ये सिर्फ इस वाले ब्रॉडकास्ट डोमेन में ही रहेगा, सेकंड वाले सेकंड ब्रॉडकास्ट डोमेन, थर्ड वाले का मैसेज थर्ड ब्रॉडकास्ट डोमेन में। अब ब्रॉडकास्ट डोमेन टू ब्रॉडकास्ट डोमेन कम्युनिकेशन बाय डिफॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन टू अनदर ब्रॉडकास्ट डोमेन नॉर्मली नहीं होगा, इसके लिए आपको एक लेयर 3 डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, लेयर 3 डिवाइस में एक कॉमन सा डिवाइस हमारा राउटर, या फिर आप L3 स्विच भी लगा सकते हो। ओके,
एल3 स्विच भी लगा सकते हो। हाँ अब इस ब्रॉडकास्ट डोमेन को कैसे आप, अच्छा एक और बात बता देता हूँ, ये ब्रॉडकास्ट डोमेन तो ब्रेक कर दिया, कॉलेजन डोमेन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका, ठीक है। कॉलेजन डोमेन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो वीलैन तो आपने क्या किया, ब्रॉडकास्ट डोमेन तो ब्रेक कर दिया, लेकिन इसका कॉलेजन डोमेन वही रहेगा। अगर सपोज करते हैं इस पर 3 पोर्ट हैं अभी, ठीक है, 1 2 3, स्विच में क्या होता है, पर पोर्ट कॉलेजन पोर्ट, पर पोर्ट क्या होता है, कॉलेजन डोमेन होते हैं। तो अभी इसमें कितने कॉलेजन डोमेन है, 3। अब ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने कर दिए आपने, 3। तो कॉलिजन डोमेन को, कॉलिजन डोमेन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, ब्रॉडकास्ट डोमेन पे आप इम्पैक्ट डाल सकते हो, वो आप डिवाइड कर सकते हो, ओके। और ये ब्रॉडकास्ट डोमेन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, भाई ब्रेक करोगे ना, तो इनकी आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो वो आइडेंटिफाई करोगे आप वीलैन से। ठीक है, ये वीलैन हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, वीलैन एक कॉन्सेप्ट है कि आपको जो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में ब्रेक कर देगा, कौन करेगा, वीलैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, एट डेटा लिंक लेयर, लेयर 2 पे, प्योरली लेयर 2 है। तो आप ये कहीं भी देखो, 1 वीलैन, कहीं कोई यूजर है किसी एक वीलैन में, 1 VLAN इक्वल टू 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन। भाई इधर क्या था, पहले देखो आपने 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन दे दिए, 1 2 3, ठीक है। अब ये कोई भी वीलैन है, ठीक है, यहाँ पे ये जो वीलैन है ये क्या, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है पूरा, ये एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ये भी एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ठीक है, टोटल 3 है, ये एक सिंगल अलग है, ये सिंगल अलग है, ये सिंगल अलग है। तो ये 1 VLAN इक्वल टू 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है, और इक्वल टू 1 नेटवर्क, एक ही सबनेट दोगे आप, यहाँ भी एक सबनेट, इधर भी एक सबनेट, इधर भी एक सबनेट, तो ऐसा काफी जाता है। ये सिंगल VLAN, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, तो जितने नंबर ऑफ VLANs होंगे उतने नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे स्विच पर, उतने ही नंबर ऑफ नेटवर्क होंगे। अच्छा, इस ब्रॉडकास्ट डोमेन को आइडेंटिफिकेशन देने के लिए हमें एक नंबर देना पड़ता है, ठीक है, एंड वी कॉल इट VLAN ID, ओके, क्या बोलते हैं, VLAN ID। तो अभी तक आपने क्या क्या देखा, आपने डोमेन्स के बारे में देखा, ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक किया आपने, मैं BD डाल दूंगा, ब्रॉडकास्ट डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है। विलन क्या करेगा, विल ब्रेक अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन टू मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, इससे होगी वो भी आपकी VLAN ID से, ओके। कॉलिजन डोमेन विल बी द सेम, विल बी सेम एज इट वाज अर्लियर, अर्लियर मतलब बिफोर ब्रेकिंग, ब्रॉडकास्ट डोमेन, ओके। तो आपका जो VLAN नंबर होगा, वो VLAN नंबर नंबर दोगे ना, VLAN ID दोगे, तो 1 से लेकर 4094 तक आपकी नंबर होती है, ओके, 1 से लेकर 4094, ये आपका काउंट होता है किसका, VLANs का। भाई इतने VLANs आप, इतने ऑप्शन है अभी आपके पास, ओके, 1 to 4094। इसका मतलब क्या हुआ कि स्विच विदाउट VLANs, भाई क्या था,
सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन था, तो इसका मतलब वहां पे एक विलन एग्जिस्ट करती थी, ठीक, कोई सिंगल विलन, और बाय डिफॉल्ट कौन सी विलन होती है, वन। देखो अभी क्या ये स्विच है, ओके, इस पे कुछ मल्टीपल पोर्ट कनेक्टेड है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ठीक है, मैंने कोई विलन नहीं बनाई, ये सारे के सारे किसमें, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में, तो इस पर एक बाय डिफॉल्ट विलन होती है, उसको हम बोलते हैं विलन वन, विलन वन बाय डिफॉल्ट विलन वन सारे पोर्ट्स के लिए होती है, ठीक है, जितने भी आप देखोगे, जितने भी ये पोर्ट है, भी एक एक विलन का पार्ट है, ठीक है, एक सिंगल विलन चल रही है, पहले तो एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, अगर यहाँ पे दो विलन होती तो दो ब्रॉडकास्ट डोमेन होते, वो आप क्रिएट कर सकते हो, वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। एडिशनली आप बाय डिफॉल्ट विलन वन होती है, एडिशनली आप विलन क्रिएट कर सकते हो, ये जो स्विच है इसके पोर्ट बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं, लेयर टू स्टेट में, ठीक है, स्विच पोर्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट स्विच के पोर्ट, लेयर टू प्रॉपर्टीज, ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी लेयर टू पोर्ट पे विलन मेंबरशिप ना हो, वीलैन मेंबरशिप पे होगी ही होगी, ओके, चाहे आप किसी इंटरफेस को लेयर थ्री बनाओगे तो उसके पीछे भी जो लॉजिक चलता है वो वीलैन से ही उठ के आता है, उसमें कुछ एक्सटेंडेड वीलैन, मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लेयर थ्री स्विच पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो एक्सटेंडेड वीलैन दिखाऊंगा मैं आपको, कि भाई आप किसी पोर्ट को आप लेयर थ्री में कन्वर्ट कर रहे हो तो बैक एंड पर वीलेंस ही वर्क करती है, या फिर आप कोई एसवीआई क्रिएट करते हो इंटरफेस वीलेन, तो उसके पीछे वहां तो वीलेन काम करती रहती है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अलग है भाई, अगर आपको कोई पोर्ट स्विच पोर्ट ना हो भाई, से लेयर थ्री पोर्ट बनाना, अभी तो बाई डिफॉल्ट स्विच पोर्ट होते हैं, अगर आप किसी पोर्ट को लेयर थ्री स्विच में, आपके पास ऑप्शनल होते हैं कि आप किसी को स्विच पोर्ट ऑफ में ना बना के एक लेयर थ्री पोर्ट बना दें, बट जो बिहाइंड द एक्शन चलता है वो विलन से ही उठता है, ठीक है, उधर हमारी कुछ एक्सटेंडेड विलन्स वर्क करती है, वो मैं आने वाले टाइम में आपको दिखाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि स्विच के पोर्ट पर विलन मेंबरशिप ना हो, विलन मेंबरशिप होगी होगी, हाँ, कुछ एक सिनेरियो बन जाते हैं, लाइक ये मेरा कोई स्विच है, ये फास्ट इतना 0/0 है, और इस पे मैंने वीलन 10 क्रिएट करी थी, और वीलन 10 ये इसका पार्ट था, फास्ट इतना 0/0 का, अब आपने क्या किया, वीलन 10 को डिलीट कर दिया, नो वीलन 10, इस वीलन पर कौन सा इंटरफेस, तो पहले F0/0, F0/0 पे आपने कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वीलन 10, ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि वीलैंड 10, अब भाई F0 आपने क्या वीलैंड 10 डिलीट कर दी, और F0/0, ठीक है, ये वीलैंड 10 से ऐसे ब्रेक हो गया और ये वापस वीलैंड 1 में चला गया, नहीं, ओके, ये F0/0 स्टिल वीलैंड 10 का पार्ट रहेगा, जब शो वीलैंड ब्रीफ करोगे तो शायद आप तो आपको ना दिखाई दे शो वीलैंड में, लेकिन जब आपको इस इंटरफेस को ओपन करोगे, शो इंटरफेस F0/0 स्विच पोर्ट, जब आपको दिखेगा ये वीलैन का पार्ट है, लेकिन ये वीलैन अभी क्या है, अभी इनएक्टिव है, इनएक्टिव ही पोर्ट क्या रहेगा, इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा भाई, अगर ये वाला पोर्ट F0/0 वीलैन 10 का पार्ट था, वर्किंग कर रही थी वेल एंड गुड, आपने कह के वीलैन डिलीट कर दी, तो ऐसा नहीं होगा F0/0 से वीलैन 10 हट जाएगा, ये अभी भी उसका पार्ट रहेगा, ओके, हाँ, ये इनएक्टिव जरूर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, वैसे ये प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिफर कर सकता है कि भाई डिलीट होने पे क्या वो वापस बाय डिफॉल्ट विलन वन का पार्ट होता है क्या उसको जाएगा, बाकी मोस्टली केसों में रिवर्ट नहीं होता है, वो उसी विलन का पार्ट रहता है और इनएक्टिव स्टेट में पड़ा रहता है,
ये कोई स्विच है। इधर एक पीसी कनेक्टेड है, तो इस बोर्ड पर आप अभी सिंगल ही वीलैन असाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा आप इस पे वीलैन 10, ऐसा नहीं होगा फिर वीलैन 10 दे रहे हो, 20 भी दे रहे हो, नहीं, एक टाइम पे एक ही वीलैन काम करेगी। ओके, इस पोर्ट को बोलते हैं एक्सेस पोर्ट। हाँ, अगर आपको एक से ज्यादा वीलैन का ट्रैफिक कैरी करवाना है तो आपको ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ता है। क्या बनाना है? ट्रंक पोर्ट। सो आगे पढ़ेंगे हम ट्रंक पोर्ट के बारे में कि ट्रंक पोर्ट फ्री किए गए होगा, मल्टीपल वीलैन का सपोर्ट मिल जाएगा आपको। ओके, लेकिन हम एक्सेस पोर्ट पर जनरली सिंगल वीलन कैरी, सिंगल वीलन एक्सेस पोर्ट ही होते हैं। एक्सेस पोर्ट मतलब जो सिंगल वीलन को ही सपोर्ट करते हैं। हाँ, इस पोर्ट पर आप एक और वीलन दे सकते हो ट्रंक, अगर आप कॉन्फिगर ना कराना चाहें तो। एक पोर्ट पर हमारे दो वीलन हो सकते हैं, या तो डेटा वीलन होगी या फिर वॉइस वीलन, ये आप साथ-साथ कर सकते हो, डेटा या फिर वॉइस। ऐसा हो सकता है कि ये स्विच है, इधर आईपी फोन की भी कनेक्टिविटी है, आईपी फोन। ओके, तो इस पोर्ट पर डेटा भी जा रहा है आपका, और आईपी फोन की भी कनेक्टिविटी है, तो वॉइस का ट्रैफिक भी है, वॉइस प्लस डेटा। तो आप कैसे दोगे? स्विच बोर्ड एक्सेस वीलैन, नॉर्मल वीलैन चलेगी, स्विच बोर्ड एक्सेस, स्विच बोर्ड एक्सेस, वॉइस वीलैन, तो वॉइस वीलैन आपकी कैटेगरी में आ जाती है। आगे पढ़ेंगे वॉइस वीलैन के बारे में। तो जो मैंने रेंज बताई थी आपको, इसमें भी आपकी दो कैटेगरी होती है, एक नॉर्मल रेंज और एक होती है एक्सटेंडेड रेंज। जो नॉर्मल रेंज होगी वो होगी 1 से लेके 1,000 के ऊपर। और जो एक्सटेंडेड होगी वो होगी आपकी 1.06 से लेके 4.094 तक। तो नॉर्मल यूज में जो आपकी वीलेंस है वो 1 से लेके 1,001 तक, और 1,002 से लेके 1,005, ये क्या है? रिजर्व है, और वीलेंस 1 भी रिजर्व ही रहती है बाय डिफॉल्ट में। ये 1,002 से 1,005 जो वीलन है ये अनसपोर्टेड है अभी आज के टाइम में। ये जो अर्लियर पहले टेक्नोलॉजी चलती थी ना, FVDI, टोकन रिंग, तो उनको सपोर्ट करने के लिए वीलन बनाई गई थी, ठीक है। बट आज के टाइम में सब इथरनेट पे, तो आपकी नॉर्मल वीलन चलेंगे, आप वही आपकी वर्किंग होंगी, ये तो अनसपोर्टेड है आज के टाइम में, सपोर्ट भी नहीं है इन वीलन पर 1,002 to 1,005। ओके, और जब भी आप किसी पोर्ट को लेयर 3 बनाते हो तो उसको एक वीलैन मिलती है, वो इसी रेंज में से मिलती है, वो इसी रेंज में से मिलती है, उसको भी एक वीलैन मिलती है इंटरनली, तो वो इस वीलैन में से मिलती है, एक्सटेंडेड वीलैन रहते हैं, ये हम आगे देखेंगे। पर चल एक स्विच है मेरे पास, वो भी लैंड देखो, शो भी लैंड के बाद देखोगे कितने ऑप्शन आपके पास, ब्रीफ है, समरी है,
शो व्हीलर ब्रीफ को तो मिल गया है, इसको थोड़ा एक्सचेंज कर लेता हूँ। देखो व्हीलर वन क्या बाई डिफॉल्ट है, और ये 1022 1005, ये देखो अनसपोर्ट अनसपोर्टेड है। ओके अब विलेन वन को आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं भाई आप इसको नाम देना चाहो विलेन वन को, नेम विलेन विलेन वन नेम एचआर भाई, विलेन वन को कुछ नहीं कर सकते, या फिर तो विलेन वन आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते। ओके तो विलेन वन के साथ कुछ चेंज नहीं कर सकते। यस आप एडिशनल विलेन बना सकते हो, नेम दे सकते हो। अच्छा एक्सेलेंट शो विलेन, अभी देख रहे हो विलन टू मैंने क्रिएट की, विलन टू उसको नेम दिया। अच्छा अगर मैं इधर देखता हूँ डू शो विलन ब्रीफ अभी नहीं बनी हुई, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। शो विलन ब्रीफ अब बन गई, जब तक आप एग्जिट नहीं करोगे जब तक वो एक्शन में नहीं आएगी विलन। ओके शो विलन समरी, तो कितनी विलन बनी हुई है अभी, अगर सिक्स 1 2 और नीचे की 4 भाई, 5 तो बाय डिफॉल्ट थी, 1 और 1000 1002 से लेके 1005 तक 4 होगी ना, 5 होगी और एक मैंने एडिशनल बना दी, 6 होगी टोटल। अच्छा हम इस बात को प्रूफ कर सकते हैं ये एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। ओके मैं राउटर पर जाके आईपी दे देता हूँ फटाफट, 1.0.1.0 पोर्ट है। ओके इंटरफेस 1.0.1.0 168 1.1 दे दिया मैंने, आर टू पे चलते हैं, आर टू का पोर्ट है मेरा 1.0.0.0.0 ये सब करा। जीरो बाई जीरो आखिरी को चलते हैं, इस 0.0 स्लो है, ओके इसके 0.0 एक्टिव है तो मैं चलो कर सकते हैं।
करता हूँ।